बहुत शांति होती है इधर आके, बहुत बहुत बढ़िया काम है, सेवा का काम है, पशु सेवा है ना, महासेवा है। ये काम करके हमको ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ किया, बस यही सब लोग जुड़े जुड़ते रहे और जितना हो सके उतना काम को अपन आगे बढ़ाते रहे। सबसे पहले तो मैं चंपालाल जी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हमको इस सराहनीय कार्य में जोड़ा, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा कार्य करके हम धन्य हो गए। अहिंसा परमो धर्म, सबसे बढ़िया है कि आप सेवा करो, सेवा इस पशु पक्षियों की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कोई बहुत अच्छा लगता है उसमें, ऐसा करना चाहिए, जितना करोगा वो भी अच्छा रहेगा। ऐसा कि हमारे पिताजी दादाजी ये सब काम करते आए हुए हैं और हमको भी हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए कि ये कार्य आगे करते रहना चाहिए, ये पुण्य का काम है। ये जो काम करे बहुत अच्छा काम करने से गूंगे बहरे जो जान जीव जंतु है पशु पक्षी को बोल नहीं सकते उसकी सेवा करनी चाहिए। फाइनली आज हम आए यहाँ पे मानसा में, तो हमारे जो काफ़ी सारे ग्रुप है जो ये आज ग्रुप आज संडे है तो आज ग्रुप में काफ़ी बढ़ोतरी भी है। आज जो उस दिन नहीं आए थे वो आज आ चुके हैं और आज शाम को वैसे एक अच्छा प्रोग्राम भी है, रामदेव बाबा की जोत का प्रोग्राम भी रखा हुआ है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा लाइव वीडियो के अंदर, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो के अंदर। और आज हमारे सारे जो मित्रगण हैं जितने भी ग्रुप के सदस्य हैं जो बाकी रह गए थे उनसे भी आपको मिलाऊंगा, एक बार सब मिलके बोलेंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नए मेंबर आए, अच्छा नए मेंबर तेरे की जय। हमारे नए मेंबर जुड़ चुके हैं उनसे आपका परिचय करो सर, अपना नाम बताएं सर्वप्रथम। रमेश भाई, रमेश भाई प्रजापति। अच्छा आज पहला दिन आपका ना, मतलब दूसरा तीसरी बार आए हो, कैसा लग रहा है इस ग्रुप के साथ? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, मतलब सुकून 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 सुकून। तो बस दोस्तों इस वीडियो का माध्यम यही है कि बस आप हमारे ग्रुप के साथ, जी एक और सर है उनका परिचय कर रहा हूँ। अमेरिका से आए हुए? बिल्कुल सर, अमेरिका से है ना, तो एक एनआरआई पर्सन है हमारे साथ में। सर सबसे पहले तो वेलकम टू योर फेरी ग्रुप्स, है ना, तो सर तो अपना परिचय दीजिए सर, आपका नाम क्या है? मथुर भाई सावलिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस ग्रुप के अंदर जो ये नेक काम है तो कैसा फील होता है आपको ये करके? बहुत शांति होती है इधर आके, बहुत बहुत बढ़िया काम है ये। जितने भी वीडियो पूरे वर्ल्ड में पैसा वाले भी ये नहीं काम कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, जो ये सेवा की प्रवृत्ति चंपक भाई कर रहे हैं ना, जी जी जी, तो पैसा किसी के पास हो मगर ये सेवा की प्रवृत्ति नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के साथ में जो अपनापन है, जो टाइम स्पेंड करना, सुबह के 4 बजे उठ के इकट्ठा होना, सारे ग्रुप को इकट्ठा करना, तो आप एक क्या सोशल मैसेज देना चाहेंगे हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं? ये जो कार्य कर रहे हैं बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। और एक और सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करता हूँ। सर सबसे पहले तो नमस्कार फेरी ग्रुप। नमस्कार नमस्कार। तो सर अपना परिचय दीजिए, उस काम को करते हुए कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत अच्छा, ये सेवा का काम है और ये पशु पक्षी और ये जो सब है उसमें ये जो मंकी है वो सब उसको खिलाने का है, वो काम सब बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल, तो सर का कहना है जो मंकी है वगैरह बहुत ही अच्छा काम है। सर एक मैं बात बताना चाहूँगा कि भी देखिए हम तो इंसान हैं, हम बहुत सारे पैसे कमाते हैं जीवन के अंदर, तो हमारे को तो जब भी कुछ भी खाने का मन होता है हम अपने मम्मी पापा फैमिली को बोल देते हैं मुझे पिज्जा खाना है, वड़ा पाव खाना है, लेकिन ये जो पक्षी है जो बोल नहीं पाते तो इनको जब हम खिलाते, खिलाने वाले देखे ऊपर वाला है, हम बिल्कुल नहीं, हम तो एक जरिया है, ये फिर से बोल रहा हूँ, और वीडियो में हम दिखावा बिल्कुल नहीं करें, एक बार फिर से बोल देता हूँ, बट ये एक पॉइंट वाली बात है कि इस वीडियो के माध्यम से हम एक सोशल मैसेज देना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर कि आपके पास में ऐसे मूंगे बहरे पशु पक्षी उनको आप बस अपनापन दीजिए इस तरह का। तो कुछ और सदस्य हमारे ग्रुप में उनसे सर सबसे पहले तो नमस्कार आपको। नमस्कार। तो सर क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं? पशु सेवा है ना, महासेवा है और इससे ना शांति भी जीवन में मिलती है, अच्छी बात है, सब आप कर रहे हैं और सबको हम शुभेच्छा दे रहे कि ये काम है ना और आगे बढ़ाओ और सबको है ना ये सेवा में लगाओ।
धन्यवाद। तो जैसा कि सर ने बताया, बस यही मैसेज है कि आप सब मिलके, जरूरी नहीं कि ग्रुप में जुड़िए, आप अपने आसपास हम जहाँ पे भी रहते हैं। एक और सर उनसे मिलवाता हूँ। सर सबसे पहले वेलकम। क्या नाम है सर आपका? कन्नू भाई आकोलिया। कन्नू भाई आकोलिया नमस्कार। कन्नू भाई क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे जनता जनार्दन को? एक काम करके हमको ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ किया। चलो बिल्कुल, तो शॉर्ट और संक्षिप्त में इन्होंने वर्णन किया है कि ये काम करके लगता है कि हमने कुछ किया। तो एक और सर है उनसे परिचय करवाता हूँ। सर ये नाम हरीश प्रिया, मेरा नाम है। सबसे पहले तो मैं चंपालाल जी का धन्यवाद करूँगा जिन्होंने हमको इस सराहना कार्य में जोड़ा। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा कार्य करके हम धन्य हो गए। बिल्कुल, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे पूरे इंडिया वासियों को, भारत से बाहर भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको? अहिंसा परमो धर्म, सबसे बढ़िया है कि आप सेवा करो। सेवा इस पशु पक्षियों की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई काम नहीं है। तो एक और सर है उनसे मिलवाता हूँ। सर आपका नाम क्या है? मगदाराम। अच्छा मगदाराम जी, सबसे पहले तो वेलकम है फेरी ग्रुप के अंदर। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे सब 100 करोड़ भारतवासियों को? देखो मेरे को बहुत अच्छा लगता है उसमें, ऐसा करना चाहिए, जितना करोगा वो भी अच्छा रहेगा ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आपको ये शिक्षा कहाँ से मिली, आपके मन में ये विचार कहाँ से आया ऐसा काम करने का? नहीं, मन में तो विचार आ ही जाता है, क्योंकि करते रहता तो हमको भी विचार आ जाता है क्या करने, ये काम का कार्य करना चाहिए लोग। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सुबह 5 बजे उठ के वो करेगा तो अच्छा रहेगा उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम तो धंधा तो करते ही है काम, ये भी कार्य करे तो ये भी अच्छा रहेगा ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। एक और सर है जो अगली बार वीडियो में नहीं आ पाए थे, आज मिल चुके हैं तो उनसे जानते हैं। सर सर अपना नाम बताएं। सुरेश भाई प्रजापति। सुरेश भाई, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको एक क्या सोशल मैसेज देना चाहिए? हमको यही मैसेज देना चाहिए कि हमारे पिताजी दादाजी ये सब काम करते आए हुए हैं, और हमको भी हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए कि ये कार्य आगे करते रहना चाहिए, जो भी हो सके वो। ऐसा जरूरी नहीं है कि इतना देना ही है, जो भी हो सके थोड़ा थोड़ा देना चाहिए, और लोगों को सिखाना चाहिए कि ये देते रहे, बस ये पुण्य का काम है। अपना तो इसमें कोई है ही नहीं, जो भी करवाता है वो भगवान कराता है। अपने तो खाली सेवा कर रहे हैं, अपनी तो कुछ औकात ही नहीं है कि अपने कर पाइए। बरोबर, ये सोशल मीडिया से मैं सब लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। एक और परिचय करता हूँ। उससे पहले सर ने पॉइंट वाली बात कही जो मेरे दिल में हर बार रहती है। मैं आपको पता है कि मीडिया के माध्यम से जो भी कहता हूँ यहाँ से बोलता हूँ, और क्लियर एंड कट में बात करता हूँ कि देखिए हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में तो हमारी सांसें भी नहीं है, ये भी उधार की है दोस्तों। पता नहीं अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद वीडियो बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, बट यू नो आई थिंक एक यही मैसेज है कि जीवन का जब तक जीवन है, मनुष्य जन्म मिला है, उसका सदुपयोग कीजिए, अच्छा कार्य करते। एक और सदस्य उनसे मिलाता हूँ। सर सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? तुलसीराम। अच्छा तुलसीराम जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे जनता भारतवासियों को? बस ये जो काम कर रहे बहुत अच्छा काम करने से गूंगे बहरे जो जान जीव जंतु है, पशु पक्षी को बोल नहीं सकते, उसकी सेवा करनी चाहिए। इतना धर्म है, हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के हिसाब से काम करना ही चाहिए और सबको करना चाहिए, बहुत अच्छा काम है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे एक और सदस्य तुलसीराम जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। चलिए मैं आपको यहाँ का दृश्य दिखा देता हूँ। मयूर जो है, मोर है यहाँ पे, तो काफी सारे मोर है, उनके लिए जो पूरी जो टीम है ये ग्रुप पूरा है। क्या लेके आए थे दिलीप जी? जाएंगे जितने आगे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो दिलीप जी क्या लेके आए थे मोर के लिए आज? मोर के लिए मक्का ही लेके आए। अच्छा, मोर के लिए मक्का का जो बोरी है वो लेके आए थे, और मोर आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। मैं आपको कैमरा दूर ही रखूंगा क्योंकि जैसे हम नजदीक जाएंगे तो मोर जो है उड़ जाएंगे, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मोर को डिस्टर्ब करे, तो मैं यहाँ से कैमरे को थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आपको सामने नजर आ रहे होंगे, ये है मोर जो कि यहाँ पे मकई के दाने जो है फेरी ग्रुप जो है सेवा कार्य कर रहे हैं, और एक अच्छा बहुत सोशल मैसेज भी दे रहे हैं। सुबह का टाइम है, सुबह में इस वक्त 7:30 बज चुके हैं समथिंग, तो 7:30 बजे सूर्यास्त भी, सूर्योदय भी हो चुका है यहाँ पे, तो सूर्योदय भी हो चुका है, और उसके साथ में पक्षी यहाँ पे देखिए, मैं पक्षियों का नज़ारा ये देखिए, पक्षी यहाँ पे जो है छोटे छोटे प्यारे प्यारे पक्षी हैं, पक्षियों की आवाज़ एकदम देखिए, पक्षी पानी पी रहे हैं यहाँ पे दाना चुगते हुए, बहुत ही जीवन को सुकून देने वाला ये पल है। तो बस यही वीडियो का माध्यम यही है कि भी आप भी अपने घरों के आसपास में जहाँ पे भी आप रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़िए, बल्कि आपके घरों के आसपास आप जहाँ पे भी रहते हो, इंडिया में रहते हो, इंडिया से बाहर कहीं पे भी रहते हो, बस ये वाला एक छोटा सा कार्य है अपने जीवन में, भले हफ्ते में एक दिन निकाल के बस ऐसा कीजिए, आप खुद एक बार करके देखिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, आपके दिल को काफ़ी सुकून मिलेगा। अभी देखिए मोर जो है दाना चुगते हुए यहाँ पे अपना भोजन करते हुए, अभी हम जो है मोर के लिए जो दाना था वो वहाँ पे हो चुका है। उसके बाद मैं हूँ और मेरे साथ में दिलीप भाई है। दिलीप भाई इस वक्त गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, और साथ में उनका नन्ना सा प्यारा सा मुन्ना सा बच्चा है, वो भी आज साथ में आया। आइए उनसे जानते हैं कि बेटा आप ये जो आते हो पापा के साथ में, कैसा लगता है आपको यहाँ पे? मजा आता है। मतलब क्या खास लगता है आपको ऐसा? मैं मोरों को, पक्षियों को देखता हूँ, मजा आता है। अच्छा आपका नाम नहीं बताया, आपका नाम क्या है? चिराग प्रजापति। चिराग प्रजापति। आपके पापा का नाम क्या है? दिलीप प्रजापति। अच्छा आप पढ़ाई करते हैं? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सीनियर केजी। अच्छा आपका ड्रीम क्या, आप बड़े होके क्या बनना चाहेंगे?
आर्मी ऑफिस है। ये पॉइंट वाली बात है दिलीप जी, आपको खूब खूब बधाई हो, मतलब है ना, आपका लड़का बड़ा हो गया देश की सेवा में। अच्छा, आर्मी बनने का कैसे आया, मन में कैसे आया, कहाँ से सीखे आर्मी बनना है? मैं वीडियो देखता हूँ तो मुझे भी ऐसे करने का। कौन से कैसे वीडियो देखते हो? ऐसे छोटे छोटे आते ऐसे है ना, फिर वो बोलते वीर जवानों के लिए। यहाँ पे सूर्य देवता जो है दर्शन दे चुके हैं, और ये जो है पक्षी घर है जो कि आपको नज़र आ रहा होगा, काफ़ी प्यारा है, काफ़ी सुंदर है। जैसे हम इंसान हैं, हमें रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है, वैसे ये पक्षी है। तो देखिए कितने सारे कबूतर हैं, मतलब इस अपने घर के अंदर, मतलब आराम से जो है मॉर्निंग का जो आनंद लेते हुए सुबह का। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, सुपर, बहुत ही सुपर व्यू है, आप देख पा रहे होंगे पक्षी घर। तो यहाँ पे सेवा कार्य चल रहा है जो कि आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं, जो ये डॉगीज के जो बच्चे हैं, कुत्ते के बच्चे हैं, ये भी यहाँ पे भोजन का आनंद ले रहे हैं। मुझे एक्चुअली में दिलीप भाई, हाँ जी, मुझे ये जो प्रोग्राम है, ये जो फेरी ग्रुप है उसमें ज्वाइन कराने में सबसे बड़ा हाथ, अगर हाथ है तो वो इस व्यक्ति का है। एक बार इसको दिल से शुक्रिया, दिल से दुआ करेंगे इनके लिए। इनके थ्रू में मिला एक्चुअली में, इन्होंने मुझे रास्ता बताया। सैटरडे का दिन था, मैं चांदखेड़ा गया हुआ था, तो इन्होंने बताया हमारा भी ग्रुप है, तो मैंने कहा ठीक है मिलेंगे। तो फिर इन्होंने मुझे नंबर दिया चिराग भाई का, जिसको सब लोग यहाँ पे प्यार से मामा जी बोलते हैं। बहुत ही अच्छे इंसान है, जो आपको वीडियो में देखा होगा, दिल के काफ़ी अच्छे हैं, इतने अच्छे लेवल पे होने के बाद जो इस तरह का सेवा भाव रखते हैं, बहुत ही अच्छे। आज उनके लड़के जो कि एक बिल्डर ग्रुप है, उनके लड़के, उन्होंने बताया हमारा लड़का बिल्डर वगैरह है, लेकिन उसके बावजूद आज मैं उनसे जब मिला, उनका बिहेवियर वगैरह देखा, एकदम अपन नॉर्मल इंसान ही है। बाकी आप बिल्डर है तो अपने घर में, बट फिर भी उसके बावजूद इनका जो सेवा वाला भाव है। आइए मैं जो चिराग भाई है उनके लड़के से आपको मिलवाता हूँ। तो ये चिराग भाई के जो है लड़के हैं, तो उनसे जानते हैं। सर आपका नाम क्या है? हनिल प्रजापति। अच्छा हनिल भाई, आपके जो पापा है, काफ़ी उन्होंने बाप की कि भाई उनके भी जो पिताजी थे वापसी, उनसे उन्होंने प्रेरणा ली, तो आप भी ये सेवा कार्य में साथ में आते हो, बहुत बहुत। तो क्या कहना चाहेंगे, हमारे जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही, सब लोग जुड़ते रहे और जितना हो सके उतना काम को अपन आगे बढ़ाते रहे, वही अच्छा अपना एक मेन जो है वो है, इसलिए जुड़ते रहे बस। अच्छा, आप एक बिल्डर हो, आपकी बहुत सारी साइट भी चलती है, उसके बावजूद भी आप उसमें से टाइम निकाल लेते हो। कई सारे लोग सोचते हैं कि भी ये हमारे बस का काम नहीं है, काम और उसका टाइम एक ऐसा है कि कोई भी आदमी निकाल सकता है आराम से। संडे को जो सुबह से अपने 4 से 7-8 बजे तक का ही प्रोग्राम होता है, तो उसके बाद अपन उसको काम पे जा सकते हैं, और ये साथ साथ में ये काम भी हो सकता है। और इस वीडियो के माध्यम से एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे हम पैसे का यार कुछ भी ऐसा दिखावा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप सोचो कि वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि ये लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, आपकी सर गलत सोच है। बस आप जुड़ते रहो, वही सबसे बड़ी हमारी प्रेरणा है कि आप जुड़ते रहो, बस जुड़ो। और अगर कोई वो मोल नहीं है इसमें, बस आप और जुड़ो, और जुड़ना भी जरूरी नहीं, अगर आप आसपास में रहते हो अहमदाबाद तो जुड़िए, बाकी आप अपने आसपास में खुद भी स्वयं से भी ये कार्य करेंगे। अपने आसपास में जहाँ पे भी आपको लगे, चींटियाँ लेके तो उनको दाना दीजिए, कबूतरों को दाना दीजिए, गायों को रोटी दीजिए, और भी जो भी पशु पक्षी है जो बोल नहीं पाते उनकी सेवा कीजिए, फिर आपको देखे चमत्कार, आपको खुद को लगे। बाद जो कीड़ियों का पूरा प्रोग्राम है उसमें आप आते रहो, जुटते रहो, और कीड़ी नगरी का प्रोग्राम वो भी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों बस इस वीडियो को, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे पूरा करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको एक सेवा भाव के नाते ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को एक सोशल
मैसेज मिल जा रहा है ना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सो फाइनली यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे बहुत ही सुंदर दृश्य, यहाँ पे कैनाल है, पानी ले रहा है यहाँ पे, और हमारा जितना भी फेरी ग्रुप्स है यहाँ पे, फेरी वाला ग्रुप यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है। बहुत ही पुण्य का काम जो सुबह में अर्ली मॉर्निंग हो चुका है, और यहाँ पे भी हर महादेव के जयकार लगाए जा रहे हैं। महादेव की जय। तो सारा फेरी वाला ग्रुप यहाँ पे जो है एक साथ में जयकारे लगाते हुए और जीवन का भरपूर आनंद लेते हुए एक नेक काम और नेक इरादे के साथ में जय श्री राम, जय श्री राम। तो यहाँ पे जय श्री राम के उद्घोष के साथ में जय। तो मैं भी फ्रेम में आ चुका हूँ, बस आप लोग भी जयकारा जरूर लगाइएगा। हर हर महादेव, जय श्री राम, हनुमान जी महाराज की जय।